पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के तत्वावधान में पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के सानिध्य में पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में गत 10 से 15 अक्टूबर तक मोटापे के लिए योग शिविर में अधिकतर लोगों ने अपना वजन कम किया, साथ ही अन्य बीमारियों में भी आशातीत लाभ प्राप्त किया। शिविर में जो परिणाम सामने आए उससे प्रेरणा पाकर आप भी अपने जीवन में योग से परिवर्तन लाएं। इसी उद्देश्य से हम चैनल के माध्यम से उन लोगों की प्रतिक्रियाएं आप तक पहुंचा रहे हैं। हे प्रभु तेरी, हर पल तेरे अंग संग रहूं। हे नाथ, हे नारायण, मैं तुझे भूलो नहीं, ऐसे मन में बार बार संकल्प उठता रहे। 2 घंटे आपको योगाभ्यास करा दिया, अभी थोड़ा अग्निसार उचाई भ्रामरी उद्गीत भी कराएंगे, फिर 1 राउंड और करोगे ना? बोलो ना, करोगे ना? बोलो बाबा जी, आप इतने प्यार से कराते हो ना, इसलिए कर लेते हैं। ऐसे ही अपने घर में जिससे भी जो भी काम कराना हो ना, प्यार से करवाया करो। अच्छा चलो, दो 25, ओनली 25, जिन 25 का पहले किया था वो खड़े हो जाओ। अभी 2 घंटे में आपको बताएंगे कितना वेट कम होता है, ठीक है? ये सभी का कम हो रहा है, इन 25 का, क्योंकि पहले किया था ना, इनका करवाते हैं अभी। इनमें एक तो हमारा पुराना चेला है जो सबसे पीछे जा रहा है, ये बोले बाबा जी 10 पर जाके रुक गया, अब इसका यहां दोबारा चालू होगा। बहने नहीं ली थी क्या इसमें 25 में? और पहली वाली मशीन पर ही करना, जिस मशीन पे पहले किया था उसी पे करना। और आप क्या करो, आप अग्निसार कर लो, ये तो करना ही है ना 8 प्राणायाम, जिस मशीन पर पहले किया था उसी पर करवा करके 2 घंटे में योग से क्या लाभ होता है आपको बता रहे हैं। और पूरे देश में योग शिविर तो हम चला ही रहे, मैं भी पूरे देश में फिर से घूमने वाला हूं। पहले 7-7 दिन के शिविर करते, फिर हमने 2-2 दिन के कर दिए थे यात्रा के दौरान, फिर अब वापस 5-5 दिन के शिविर पूरे देश में होंगे, और हमारे कार्यकर्ता पूरे देश में योग के शिविर लगाएंगे। अभी इनसे पूछते हैं, एक एक से इनके पास माइक ले जाओ भाई, किसका कितना कम हुआ है? कितना कम हुआ भाई, एक एक करके बताओ इधर से। 1 किलो कम कर लिया 2 घंटे में, कोई कम बात है क्या? 1 केजी कम हुआ, 1 किलो कम हो गया। और ये ऐसा समय है जिस समय बहुत ज्यादा पसीना नहीं आता, नहीं तो कई बार पसीना ज्यादा निकल जाता है ना, तो फैट का कंटेंट कम होता है, वाटर रिडक्शन ज्यादा हो जाता है। 1.49 आया, 1.5 किलो करीब कम, 1.5 किलो के करीब कम कर लिया। क्या नाम है? विभोर सिंगल। कहां से हो? सहारनपुर से। विभोर सिंगल तो भाव विभोर हो रहे हैं। बोले बाबा जी 1.5 किलो के करीब कम आ गया। और दूसरे क्या नाम था आपका? दीपक शर्मा। कितना? 1 किलो कम हो। कितना था? 118 से 17। आ जाओगे मेरे जितने हो जाओगे, ये मेरे से करीब डबल हो गया। मेरे करीब 64-65 है ये करीब 120 के करीब पहुंच चुका था, थोड़ा कम करके आया, वो और कम कर लेगा आगे। ये 2 घंटे का रिजल्ट है, ये योग का रिजल्ट कभी किसी ने बताया ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है 2 घंटे में। ये हमने आपको दिखाया आपके आंखों के सामने, आपने आने से पहले इन पर वजन किया था, इन्हीं मशीनों पर, वही मशीन, वही आदमी, वही जगह, 2 घंटा योग किया खाली, only 2 hours। हाँ बाबा जी, लगभग 1.5 किलो करीब वजन कम हो गया। क्या नाम है? दीपक मित्तल जी। कितना? 1.5 किलो। कितना था? 101 समथिंग था जी, आप 100 रह गया पूरा। तो 1.5 किलो दीपक का भी कम हो गया। हाँ अगला, ये 20-25 का हम ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे, या ऐसे ही सबका कम हो रहा है? ऐसा नहीं कि इनका कम हो रहा है, ये तो मैंने कहा ना, हंडिया में चावल पकते हैं तो 2-4 ही तो देखे जाते हैं, हम तो यहाँ 10 ही दिखा देते हैं आपको। बाबा जी आधा किलो कम हो गया। आधा किलो तो कम हुआ, अच्छी बात है, इतना ही बहुत है। और अगले बाबा जी, करीब 600 ग्राम कम। 600 ग्राम और 1 किलो कम हुआ। 1 किलो तो आधा किलो से 1.5 किलो। हाँ खड़ा हो जल्दी जल्दी। हाँ बाबा जी 800 ग्राम। 800 ग्राम आगे दो बाबा जी, करीब 800 ग्राम। 800 ग्राम दोनों एक काली मित्र हो क्या? दोनों एक ही जैसा कम कर रहे हैं।
ये शिवरान 250 ग्राम कम हुआ है। 250 ग्राम, चलो शुरुआत तो हो गई। इधर पूछना है ये दो, ये पुराना चेला जो है ये बोला मेरा तो रुक गया था इसका, अब कितना कम किया बेटा आज? बाबा 600 ग्राम कम हुआ है। चलो इसका शुरुआत होगी अगली, 600 ग्राम कम हो गया ना, अभी क्या बता रहा हूँ अभी, ये बोल रहा था रुक गया बाबा जी 10 किलो कम होने के बाद, तो अब तेरे को कोई अनाज नहीं खाना। इधर से इसका रुक गया ना, 10 किलो कम होके फिर रुक गया, ये पिछले कैंप में भी आया था मोटापा वाले में, तो अब इसको अनाज कोई नहीं लेना, तो क्या खाना? साग सब्जी फल, ठीक, साग सब्जी फल, कमजोरी लगे तो मुनक्का और अंजीर, बस तेरे को अनाज खाना ही नहीं है, तेरे को मेरा जैसा होके दिखाना ही है, सोच ले तू। मैंने कहा ना ठान ले एक बार। चलो अगले वाले भाई को दो, 600 ग्राम तो कम कर लिया, शुरुआत तो हो गई, अब वापस नहीं आएगा। देखो एक बार जो घट गया ना, फिर क्या है, को तो खाना खाते दोबारा बढ़ जाता है लोगों का, तो इसलिए हम खाने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, रिस्ट्रिक्टेड डाइट देते हैं। हाँ बाबा जी, मेरा नाम सुरेंद्र ठाकुर है हिमाचल से, मेरा 1 किलो कम हुआ। 1 किलो कम हो गया, चलो। तो हमारे सामने 250 ग्राम से लेकर के 1 किलो, 1 किलो ज्यादा कम हुआ है, तो शुरू शुरू में 1 किलो ज्यादा कम होता है, 1 किलो ज्यादा लोगों का कम हुआ है, 1.5 किलो थोड़े लोगों का कम हुआ है, और अपवाद रूप में मैंने कम से कम 250 ग्राम तो घटा ही है, मरे से मरा। जैसे कहते हैं मरे से मरा, इतना तो हो ही गया है। तो 250 ग्राम से लेकर के 1.5 किलो तक वजन कम किया है, सभी ने कम किया, तो अपने लिए खुद ही ताली बजाइए, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। ये तो अभी बाद में सबका वजन कराएंगे, ये कुछ का चेक करवाया था, बहनों ने भी आने से पहले और अभी कितनों ने चेक करवाया, अभी अभी वापस चेक करवाए, कितना कम किया बहनों ने भी? सोच रहे होंगे बहनें, हमारा तो, हमें तो रखा ही नहीं इस कैटेगरी में, सबको रखा है। क्या नाम है? सुषमा शर्मा, अमृतसर से। अमृतसर से 1 किलो कम हुआ। 1 किलो कम कर लिया। बहन जी आपने? 1 किलो कम हुआ। 1 किलो कम कर लिया। ये भी बहन जी मैं देख रहा हूँ लगातार कर रही है, कोई किसी चीज में ऐसा नहीं कि जितनी देर बाबा जी कर रहे हैं, बाबा जी ने बोला उतनी देर करना ही करना है, तो 1 किलो इसने भी कम कर लिया। तो बहनों ने भी 1-1 किलो, और आपका बहन? आधा किलो हुआ। आधा किलो, तो कम से कम 250 ग्राम, मिनिमम आधा किलो, मैक्सिमम 1 से 1.5 किलो, तो आप एवरेज गिन लो तो भी 500-700 ग्राम तो कम होगा ही ना। पहले थोड़ा ज्यादा कम होता है, फिर धीरे धीरे 250 ग्राम भी कम होता रहेगा रोज, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, हजारों लोगों पर ऐसे कम होता है। खैर तो हम आता उज्जाई कर लो भाई सब। मेरा स्वामी जी ओम नमः। ओम मां। मेरा 400 ग्राम वेट कम हुआ है स्वामी जी, बहुत खुश हुई मुझे। बात अच्छा मां, 400 ग्राम कम कर लिया। तो देखो उम्र वाली माता हो चाहे कम उम्र वाली बहने हो, हाँ बहन तुम्हारा कितना कम हुआ इसका पूछते हैं। ये हिम्मत वाली तो बहुत है, थोड़ा वजन जरूर बढ़ गया है, लेकिन हौसला बहुत है इस बहन के अंदर। क्या नाम है? कोमल। कोमल, हाँ 700 ग्राम कम हुआ। 700 ग्राम तो कम हो गया ना कोमल, अब पूरी कोमल हो जाएगी। हाँ कोई दिक्कत नहीं कोमल, हौसला रखना। कई बार क्या होता है फिर हम ना डिप्रेशन में चले जाते हैं, अब कैसे कम होगा, कैसे कम होगा। शुरुआत तो कर दी है ना मैंने, शुरुआत मैंने कर दी, अब चलना तुम शुरू कर दो। गुरु रास्ता दिखाते हैं, मंजिल तो खुद ही पानी होती है ना। सब हौसला रखो, अभी 2 घंटे का रिजल्ट देते हैं, अभी अब जाओ वजन करने के लिए। 2 घंटे में कितना अंतर पड़ता है, और कल कम करके फिर दिन में बढ़ाया तो नहीं? कल वाला आज तक मेंटेन रहा, सुबह तक मेंटेन रहा, अच्छी बात है। तो इसका मतलब कल करने के बाद जो कम किया था, एक दिन में 0.5 किलो से 1.5 किलो वजन करना, कोई दुनिया की साइंटिफिक स्टडी इसके लिए साक्ष्य नहीं है, ये पहली बार ये स्टडी हमने की है। नहीं तो पूरी दुनिया में ओबेसिटी को कम करने के लिए रिसर्च हुए हैं, पूरी दुनिया में कोई ऐसी पद्धति नहीं है। बाकी बस अभी 20-25 को ही बोला था, बाकी सबका बाद में कराएंगे, पूरा करने के बाद आप अनुलोम विलोम कर लीजिए, पूरा कर लो। अनुलोम विलोम करते करते थक गए तो ये अग्निसार कर लो, चलो अग्निसार कर लो। ये अग्निसार करो, पूरी दुनिया में आज तक कोई भी ऐसी स्टडी नहीं है जिसमें दुनिया में
कोई आज तक ऐसी स्टडी नहीं हुई कि एक दिन में, एक दिन नहीं, एक सत्र में, एक सत्र में 500 ग्राम से लेके 1.5 किलो वजन कम हो जाए। मतलब हम एवरेज बोलें तो 1 किलो कम हो रहा है, शुरुआती दौर में 1 किलो, बाद में आधा किलो रोज, 250 ग्राम, 250 ग्राम से 1 किलो वेट कम कर सकते हैं आप अब ये, और वो भी हार्मलेस वेट लॉस। सबसे बड़ी बात है हार्मलेस वेट लॉस। देश में हम मोटापा के लिए शिविर लगा रहे हैं और यही प्रक्रिया अपनाएंगे। आप देखना पूरा हिंदुस्तान आपको योग करता हुआ दिखेगा। एक मोटापा का की बात नहीं, सभी रोगों के लिए योग तो उपयोगी, जो मैं अभी बता रहा था। कुछ रोगों में तुरंत रिजल्ट आता है, मोटापा में तुरंत रिजल्ट आता है, मोटापा, शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, इनमें तुरंत रिजल्ट आता है। कुछ योग के तुरंत लाभ मिल जाते हैं, कुछ में थोड़ा समय लगता है, दीर्घकालिक लाभ, इंस्टेंट बेनिफिट, कुछ तुरंत लाभ, कुछ लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जो कर सके तो बाह्य प्राणायाम कर सकते हैं दिन। आपको 25-30 भाइयों को, 30 लोगों पर कोई भी स्टडी हो ना तो साइंटिफिकली अप्रूव होती हो मेडिकल साइंस में, 30 से 35 लोगों का ग्रुप कोई भी उस पर स्टडी करो उसको मेडिकल साइंस में एविडेंस माना जाता है। तो हमारी तो लाइव स्टडी चल रही है, तो 30-35 में से 8-10 का हम रोज पूछ ही लेते हैं सामने से। चलो अब वापस पूछते हैं इनका, एक से शुरू करते हैं इधर से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन में। हमको इसमें वो नहीं रखते पक्षपात की, इसी से पूछना है, यहां कोई चेला चेली वाला सिस्टम नहीं है। हाँ? नहीं तो क्या विज्ञापन में क्या करते हैं ना, जैसे किसी को क्रीम बेचनी है तो जन्म से ही किसी गोरी बहन बेटी को पकड़ेंगे, वो कहेगी मैंने क्रीम लगाई मैं गोरी हो गई, उसके नाम के उसको 2-4 करोड़ रुपए मिल जाते हैं और बस। या कुछ मॉडल मिल गई तो वो तो 25-50 लाख रुपए में उनका काम हो जाता है। यहाँ कोई विज्ञापन नहीं है, ये सत्यापन है, है? आपका कितना कम हुआ आज? बाबा जी 800 ग्राम हो गया आज। और कल? कल लगभग 1.5 किलो करीब हुआ। तो 1.5 किलो और 800 ग्राम कुल कितना हो गया? टोटल 3 दिन में लगभग 3 किलो वजन कम हो गया। 1 किलो का एवरेज चल रहा है इसका। आज तीसरा दिन है, क्या नाम बेटा? दीपक मित्तल जी। दीपक मित्तल, अब दूसरे से पूछते हैं। स्वामी 3 किलो 300 ग्राम जब से आया हूँ कम हुआ है। 3 दिन में 3 किलो 300 ग्राम, क्या नाम है? दीपक शर्मा, मुंबई से। दीपक शर्मा, पूरा रिकॉर्ड रखा है ना आपका? हाँ पूरा रखा हुआ है। और 800 ग्राम अभी सुबह से अभी रखा हुआ। सुबह से आज 800 ग्राम, ठीक है। 3 दिन में 3 किलो एवरेज, 800 ग्राम, 1.5 किलो, 1 किलो, 1.25 किलो, 800 ग्राम, ऐसे ऐसे कम हो रहा है। हाँ आगे। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी पूरे जब से मैं आया हूँ 2.5 किलो कम हुआ है और आज 600 ग्राम कम हुआ है। कल कितना कम हुआ था? कल 1.5 किलो। कल 1.5 किलो, कभी 1.5 किलो, कभी 1 किलो, कभी 600 ग्राम, इसमें कम ज्यादा होगा थोड़ा बहुत, तो इसको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। इसलिए मैंने कहा 250 ग्राम भी आपका रोज कम हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। पूरा 2.5 किलो कम हो गया।
और इसका तो 2.5 किलो कम हो गया। रोज का 250 ग्राम भी कम होता है, 3 दिन में 2.5 किलो कम हो गया। 3 किलो 2.5 किलो, अगला लो। भाजी मैं जब आया था 89.8 था, आज 86.5 है। कितना कम हो गया? 3 किलो 200 ग्राम। 3 किलो 200 ग्राम। क्या नाम है? सुकुमार माइती। सुकुमार माइती। चलिए आगे भाई को देते हैं। तो ये 1-1 किलो वाला एवरेज चल रहा है करीब करीब। तो हाँ, ये मेडिकल साइंस में कोई मानने के लिए तैयार नहीं। और तो और बात छोड़ो, हमारे यहाँ पर भी जो रिसर्च करने वाले हैं बोले बाबा जी ये तो नहीं हो सकता। मैंने कहा भाई होता है, देख लो तुम, आ जाओ। तो ये सारे रिसर्च वालों को, रिसर्च वालों का दिमाग खराब है पूरी दुनिया में कि ये कैसे हो जाता है। अरे कैसे हो जाता है, हम तो जो होता प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष करते हैं हम तो। भाई जब से आया हूँ 3.5 किलो कम हुआ है, आज 600 ग्राम कम हुआ। क्या नाम है? प्रदीप कुमार मल्होत्रा। सबके एड्रेस पता हमारे पास में, पूरी दुनिया में कोई भी इनका जो है वो प्रमाण ले सकता है। अगला दे दो अगले भाई को। चलो अग्निसार करो, अनुलोम विलोम करो। हाँ बाबा जी प्रणाम, सतीश पवार पुणे से। 3 किलो वजन मेरा 3 दिन में कम हो गया। 3 दिन में 3 किलो, ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो एवरेज तो सभी का 1-2 का ही 2.5 आया है, बाकी तो 3 किलो, 3.75 किलो, 3 किलो 300, तो एवरेज 1-1 किलो का चल रहा है सबका। अगला अच्छा सुनो, रात को बहुत अच्छी बात। हाँ मेरा 600 ग्राम आज खत्म कम हुआ है, 3.5 किलो वैसे 3 दिन में। 3.5 किलो 3 दिन में कम हो चुका। और कल के पहले दिन कितना कम हुआ था? 1 किलो। दूसरे किलो दिन वही 2 किलो और आज 600 ग्राम। चलो दो किलो 1 किलो 600 ग्राम, अलग अलग दिन थोड़ा अलग अलग कम हुआ है। 3 किलो से ज्यादा वजन कम कर लिया। हाँ 3 दिन में मेरा 2 किलो कम हुआ सब। 3 दिन में 2 किलो, अच्छी बात है। 1.5 किलो भी कम हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। स्वामी जी मेरा 2 किलो वजन कम हुआ है 3 दिन। चलिए बहुत अच्छी बात। अब बहनों से पूछते हैं, चलो भाइयों का तो 10-1 का पूछ लिया, ऐसे ही सबका कम हो रहा है। ये तो बहनों का पूछते हैं, इधर बहनों की तरफ आ जाओ भाई। उज्जाई प्राणायाम भी तो कर लो। उज्जाई ये गले के लिए, थायराइड के लिए, श्वसन तंत्र के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। इधर से एवरेज वजन लेते बहनों का, एक लाइन से जो बैठी हुई। ओम बाबा। हाँ मेरा 2 किलो कम हुआ है, मैं आई थी उस दिन 75 था, आज 73 है। चलो 2 किलो। अगली बहन का। ओम बाबा मेरा 79 था, अभी 77 हुआ 3 दिन में। 79 से 2 किलो। अगली बहन को दो, अपना नाम भी बोलेंगे। हाँ प्रीति अग्रवाल, मैं बरेली से आई हूँ, मेरा 1.5 किलो वजन कम हुआ है। 1.5 किलो। अगली बहन को दो। सुषमा शर्मा अमृतसर से, मेरा 1.5 किलो 2 दिन में कम हुआ है। 2 दिन में, तीसरे दिन का मेजर नहीं किया था। हाँ। तीसरे दिन का मापा नहीं था, 2 दिन में 1.5 किलो कम हुआ। हाँ बस एक एक करके बोलते जाएंगे। मेरा नाम शशि है, मेरा भी 1.5 किलो वजन कम हुआ। 1.5 किलो। अगली बहन का। मैं प्रगति ग्वालियर से, मेरा 2 किलो वजन कम। 2 किलो, 1.5-2 किलो बहनों का एवरेज। हाँ मैं जयपुर से सुमन पारेख, मेरा 1.5 किलो वजन कम हुआ। 1.5-1.5 किलो, 1.5 किलो किसी का, 2 किलो बहनों का, किसी का 3 दिन में 3 किलो भी कम हुआ। भाइयों की तरह जो 3 किलो जिन्होंने कम किया वो खड़ी हो जाओ। एक तो ये सामने वाली बहन है, पीछे वाली भी थोड़ी आगे आओ। 3 दिन में 3 किलो वाली बहनें भी हैं, कुछ सोच रहे होंगे कि भाई भाइयों का 3-3 किलो हुआ कम, हमारा 1.5-2 किलो पे क्यों ठहर गया। क्या नाम है बहन? ममता। ममता कितना कम किया? 3.25 किलो। 3.25 किलो। 3 किलो 200 ग्राम। बहुत अच्छा बहन। दूसरी बहन से पूछते हैं, इधर। हाँ नमस्कार बाबा जी। हाँ मेरा 3 किलो कम हुआ जी। नाम क्या है? कमला देवी जी। कमला, पहले मेरा 81 था, अब 78 है। बहुत अच्छी बात। इस दूसरी बहन को देते हैं। तो बहनों में भी 1.5-2-3। हाँ बहन। बाबा 4 किलो कम हुआ मेरा। 4 किलो जी। ये किसी किसी का होता है ऐसा। हाँ क्या नाम है जी? जी पूनम। पूनम कहाँ से हो? फिरोजाबाद से।
फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद से, बहुत अच्छी बात है। चलो दूसरी बहन को देते हैं। मैं सविता मिश्रा गोरखपुर से, मेरा 3 दिन में 2 किलो वजन कम। 2 किलो, डेढ़, 2, 3, अपवाद हो गया वो 4। तो भाइयों में 4 किलो कितना उन्होंने कम किया है, जरा खड़े होना, 4 किलो वाले भाई भी हैं। चलो इनको भी पूछते हैं, एक दो तगड़े तगड़े हैं, ये भी जवान है, एक तो इसमें काफी छोटी उम्र का है, दोनों ही जवान है। थोड़ा आगे आ जाओ, लाल शर्ट वाले भी जाते हैं। बाबा जी 5 kg कम किया। 5? कितना था बेटा पहले? 114.800 था इसका। एकदम सच्ची बात है ना? रिकॉर्ड तुम्हारा मेंटेन है यहाँ? हाँ। 114.800 और अब कितना हो गया? 109.800। ये तो समझ में नहीं आ रहा भाई इसका तो है? अब बताओ 5 किलो, क्या नाम बेटा? योगेश शर्मा। कहाँ से हो? मथुरा से। मथुरा। पेड़े ज्यादा खाए थे क्या? नहीं सर, मथुरा के पेड़े बड़े प्रसिद्ध बताते हैं। तो मथुरा, नाम भी योगेश, अब योगेश वास्तव में योगेश हो गया है, योग का ईश हो गया है। कितनी उम्र है बेटा? 23 साल। 23 साल, तो अब तो बड़ी बड़ी खुशी होगी। हाँ सर। कि 3 दिन में 5 किलो, जोरदार अभिनंदन हो जाए इस भाई का, योगेश का। ये तो रिकॉर्ड ही काम कर दिया ऐसे। ये तो मात्र 3 दिन के रिजल्ट हैं, और तीसरे दिन का भी सुबह का ही सत्र हुआ है, अभी शाम का बाकी है। अब बताओ, सुबह शाम जो योग करेंगे, दिन में अपना घर का काम, ऑफिस का काम जो करना है करो, सुबह शाम योग करेंगे, ऐसे पूरे देश में जब हम मोटापा के लिए शिविर लगाएंगे तो पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा जहान, पहले देश और पूरी दुनिया फिर योग करेगी। ये है योग का फायदा, इंस्टेंट बेनिफिट। अब लोग कहते हैं बाबा आप तो ना लोगों को ऐसे उत्साह देते रहो, तो मैं ऐसे वैसे उत्साह नहीं देता। हाँ, क्या नाम है? बाबा जी प्रणाम। बाबा जी मेरा 5 किलो 600 ग्राम कम हुआ है। ये 5 किलो 600, इसने पिछले वाले का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया योगेश का भी। क्या नाम है आपका? सर लवदर पाठक। हैं? लवदर पाठक। लवदेव पाठक, कहाँ से हो बेटा? सकरनाल से, पानी हरियाणा। पानीपत हरियाणा से। कितना था बेटा? 109 किलो 600 ग्राम। और अब? 104 ग्राम, 100 किलो, 104 किलो, 5 किलो 600 ग्राम। क्या बात है, इसके लिए तो और जोरदार तालियां हो जाए भाई, लवदेव के लिए। बाबा जी एक बात और कहना चाहूंगा, मैं अभी 2 महीने से पहले जिम कर रहा था मैं, मगर मेरा 100 ग्राम भी कम नहीं हुआ था, मगर 2 महीने से जिम जा रहा था जी, 2 महीने से जिम जा रहा था, 100 ग्राम भी कम नहीं हुआ, ये है और बड़ी बात है। क्या बात है, बाबा जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आशीर्वाद बेटा। लोग कहते हैं वेट कम करना है, जिम जाना है, वहां खूब पैसे लूटते हैं, और उस जिम का बॉडी पर साइड इफेक्ट होता है, याद रखना। ये जिम से जो शरीर को तोड़ते मरोड़ते हैं ना, यहां तो नेचुरली आप जितना कर पाते उतना ही करवाते हैं ना आपसे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, किधर वजन लटका रहे नहीं, किसी को उठा रहे नहीं, अपने आप ही को उठा रहे हैं, झुका रहे हैं, दाएं बाएं आगे पीछे जो भी कर रहे हैं। तो सही तरीका योग का, और खाने पर नियंत्रण, बस भूखा नहीं रख रहे हैं किसी को भी, और इसमें रनिंग नहीं है, कोई वॉकिंग नहीं है, आप बस सीधा ये पूरा का पूरा योग प्राणायाम का फायदा है। और 2 घंटा यहीं आप मेरे सामने बैठते हो ना, और यहीं से तलवाते हैं, नहीं तो लोग कहते हैं ये योग का फायदा नहीं है, तो रनिंग का है, एक्सरसाइज का है, ये तो जिम का है, ये तो उसका है, ये ढिमका है, कोई टिमका ढिमका नहीं है, ये है योग का लाभ। नो वॉकिंग, नो रनिंग। मैंने कहा किसी को एक्स्ट्रा बेनिफिट पाना है तो वो भी कर सकता है, वो भी अच्छी चीजें हैं, वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग। नो रनिंग, नो वॉकिंग, नो स्विमिंग, नो जिम, लेकिन ये अच्छी चीजें हैं, लेकिन हम नहीं करवा रहे हैं, खाली आपको योग ही करवा रहे हैं, और योग के द्वारा ये बेनिफिट होता है। ये सबके रिपोर्ट रिकॉर्ड हमने रखे हुए हैं, कोई आदमी झूठ नहीं बोल सकता, और झूठ बोलेगा क्यों, और उसके रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड तो झूठ नहीं बोलता ना, आदमी झूठ बोल दे तो मशीन तो झूठ नहीं बोलती, रिकॉर्ड तो झूठ नहीं बोलते, और सबके साइंटिफिक पूरे के पूरे डेटा मेंटेन किए गए। तो ये
आपको योग का एक बेनिफिट है तत्काल वाला, इसके साथ साथ आपका बीपी, आपका शुगर, आपका कोलेस्ट्रॉल सब कुछ ठीक हो रहा है। ये तो एक बेनिफिट है। इसके जैसे एलोपैथी की दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं, इसके साइड बेनिफिट्स, उसको बायो प्रोडक्ट बोला जाता है। एक प्रोडक्ट तो हो गया आपका मोटापा कम होना, तो इसके बायो प्रोडक्ट्स बहुत है। आपको भी कुछ कम हुआ बहन? कितना? इसका पूछते हैं, ये खाली चेयर पर बैठी रहती है, इसको काफी प्रॉब्लम है, हैं? कितना कम हुआ बहन? तो तीन दिन में 300 ग्राम, क्या नाम है? डॉक्टर प्रीतपाल कौर। डॉक्टर प्रीतपाल कौर। प्रीतपाल कहां से हो बहन? दिल्ली से। दिल्ली से? दिल्ली से। तो बैठे बैठे प्राणायाम कर रही है बहन, इसको भी और भी बेनिफिट होंगे ही होंगे, लेकिन साथ में वेट रिडक्शन के लिए खाली सूक्ष्म व्यायाम थोड़ा कर पाती है, हाथ पैरों को थोड़ा थोड़ा हिला पाती है, हाथों को पैरों को हिलाने में भी थोड़ी दिक्कत है, और प्राणायाम करके इसने 300 ग्राम शुरुआत तो कर दी है। बहुत बहुत आशीर्वाद डॉक्टर बहन आपको भी। तो ये सब वजन कर रहे थे तो ये भी उत्साह में इसने भी वजन किया कि मैं भी देखूं कुछ फर्क पड़ा है क्या। तो खैर, उज्जाई प्राणायाम कर लिया सबने? करो एक बार सब मेरे साथ। करो सब करो। अभी आपसे थोड़ा सा पूछ लेते हैं, आज वाला वजन तो अभी सबने किया नहीं है, कर लिया? कितनों ने कर लिया आज वाला? अभी दोबारा तो किया नहीं सबने। जिसने जिस मशीन पर किया, ये तो एक वेट वाली बात है, तो जिसने कर लिया उनका पूछ लेते हैं, आज कितने दिन हो गए? 6 दिन में जिन्होंने कर लिया, अभी आप में से करीब 10-20% लोगों ने किया है, 10-15% लोगों ने, बाकी भी कर लेंगे। जिन लोगों ने वेट कर लिया है उनका कितना कितना कम हो गया? खड़े हो जाओ जरा। जिनका 3 किलो कम हुआ है वो 3 अंगुली खड़ी करो, जिनका 4 वो 4, जिनका 5 किलो कम हो चुका 5 की 5 खड़े होके कर दो। 5-5 किलो कम हो गया तो बड़ी बात है, 5 से भी ज्यादा किसी ने तो दूसरे हाथ की भी खड़ी कर रखी है। 6, 4, 5, 6, एक ने तो 7 खड़ी कर रखी है। 7 वाला कौन है जरा इसको पूछो, जरा जवान सा लड़का है। और बहने आप इधर, बहने भी 3, 4, 3, 4, एक ने 5 की 5 कर रखी है, 3, 4, 5 बहने भी 5-5 किलो वाली। एक बार हाथ खड़ी करके रखो, एक बार इन बहनों के लिए भी ताली बजाओ, हाँ, इनको बड़ा उत्साह मिलेगा। अरे 6 दिन में 5 किलो भी कम हो गया, 4 किलो भी कम हो गया, 3 किलो भी कम हो गया तो अच्छी बात है ना, आधा आधे किलो का तो एवरेज आया। यदि 250-250 ग्राम भी रोज कम होता रहेगा, बस इसको बढ़ने मत देना आगे। योगाभ्यास नियमित करना, खाने पर थोड़ा नियंत्रण रखना, बाद में आपकी हैबिट ऐसी हो जाएगी। आपका लेप्टिन लेवल भी कंट्रोल आ गया, पूरा कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, पूरा सब कुछ बैलेंस हो रहा है, खाली वेट ही नहीं, सब कुछ बैलेंस हो रहा है। और भाइयों में जिनका ज्यादा कम हुआ, तो ये 7-8 किलो वाले भी जिन्होंने मार रखा है, वो जरा इधर से पूछते हैं, क्या नाम भाई 8 किलो वाला? योगेश शर्मा। पहले दिन कितना कम हुआ था बेटा? ये पहले ही दिन से कम कर रहा है, हाँ, ये मुझे लगता है पूरे अमेरिका में ना कार्यक्रम आता है टीवी के ऊपर, बिगेस्ट लूजर, वहां पूरा शो चलता है। उसके लिए वो लोग जो तरीके अपनाते हैं वो तो दूसरे होते हैं, और उनका लंबा चलता है, 1-1 साल भर चलता है वो कार्यक्रम। फिर उनको एक जो है एक्सरसाइज का पैकेज देते हैं, फिर उनको फूड
के लिए कंट्रोल करने के लिए कहते हैं, फिर उनको इनाम भी देते हैं। तो हम आज यहाँ आपका भी बोल रहे हैं, अगले साल जून में आओगे ना? हाँ सर। तो आप में जो बिगेस्ट लूजर होगा उनको यहाँ पर इनाम भी हम देंगे यहाँ पर।